नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज और वक्त हो गया है दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत के दो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति के जननायक कहे जाने वाले वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडी गठबंधन कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में अपनी एकजुटता और शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे समेत इंडी गठबंधन के कई बड़े चेहरे भाग लेंगे। तमिलनाडु के नीलगिरी से DMK उम्मीदवार ए राजा की कार की जांच में ढिलाई बरतने पर नपे अधिकारी, चुनाव आयोग ने किया निलंबित। लोकसभा चुनाव से पहले BRS को लगा झटका, ग्रेटर हैदराबाद की मेयर विजया लक्ष्मी ने थामा कांग्रेस का हाथ। केरल की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षक हत्या के मामले में 3 RSS कार्यकर्ताओं को बरी कर दिया। यह मामला 2017 का है, जब एक मस्जिद के अंदर मदरसा शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने बिना जमानत के 7 साल जेल में बिताए हैं। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी इसे लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, साथ ही साथ इसे शेयर भी कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला और बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में PFI पर ED का एक्शन, 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। तीनों लोगों पर PFI कैडर को हथियार प्रशिक्षण देने और इसके लिए प्रतिबंधित संगठन से पर्याप्त धन प्राप्त करने का आरोप लगा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ CBI जांच की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उगाही को लेकर सुकेश चंद्रशेखर की शिकायत मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गृह मंत्रालय ने जांच को स्वीकृति दी है। दिल्ली के लिए रवाना हुए बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव कल केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन की रैली में होंगे शामिल। माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में उमड़ी हजारों की भीड़ देख पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूले, यह देख गाजीपुर की जिलाधिकारी आर्या का अखोरी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मुख्तार के बड़े भाई व सांसद अफजाल अंसारी को बुलाकर उससे कड़े लहजे में DM साहिबा ने पूछताछ शुरू कर दी। इस पर अफजाल अंसारी भी उच्च स्वर में जिलाधिकारी से बहस करते दिख रहे हैं। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जहां पार्टी के मुखिया चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, वहीं वैशाली सीट से बीना देवी, समस्तीपुर से संभवी चौधरी, जमुई से अरुण भारती और खगड़िया से राजेश वर्मा को मैदान में उतारा गया है। झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से आज मुलाकात की। बता दें कि हेमंत सोरेन को भी ED ने घोटाला मामले में कस्टडी में लिया है। वहीं CM केजरीवाल भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED की कस्टडी में है, जबकि हेमंत सोरेन ने पद से इस्तीफा भी दे दिया है। अमृतसर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, 3 किलोग्राम हीरोइन और 50,000 रुपए ड्रग मनी सहित 5 आरोपी को किया गया गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के CM नायब सैनी की रैलियों का दौरा शुरू हो चुका है। इस कड़ी में CM सैनी आज हासी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, साथ ही आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि यह तो कांग्रेस से भी बड़े घोटाले वाली पार्टी है। PM मोदी 2 अप्रैल को उत्तराखंड के रुद्रपुर में करेंगे रैली का आगाज। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज किच्छा बाईपास रोड स्थित FCI गोदाम के सामने मैदान का निरीक्षण किया और भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड के लातेहार जिले की पुलिस ने 5 लाख रुपए के इनामी माओवादी नक्सली कमांडर नेशनल भुइया उर्फ जीनियस को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के CM विष्णुदेव साय ने कहा कि जनता का कांग्रेस पर से विश्वास पूरी तरह उठ चुका है, क्योंकि 5 सालों से यह पार्टी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त रही है। चाहे वो 1 लाख रुपए देने का वादा करे या 5 लाख रुपए देने का, लोग उन पर भरोसा नहीं करेंगे। भाजपा राज्य की सभी 11 लोकसभा सीटें जीतेगी। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के खुजराहो सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया, जहां सपा ने मनोज यादव को मैदान में उतारा है। मनोज यादव का सामना इस सीट से सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा से होगा। हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा को दी नसीहत, कहा जनता से ना करे झूठ की राजनीति। अमरनाथ यात्रा की तैयारी हुई शुरू, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्वतारोही बचाव दल पूरी तरह तैयार। बचाव दल के जवानों को कठिन से कठिन परीक्षण दिया जाता है। इस बार
बचाव दल में 1300 जवान प्रशिक्षित किए गए हैं। यह दल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात होगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने आज अपने लोकसभा क्षेत्र डायमंड हार्बा में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि हम सत्ता में आए तो ममता बैनर्जी की लक्ष्मी भंडार परियोजना को 1000 रुपए के बजाय 3000 रुपए कर देंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में दिक्कत आने के बाद अस्पताल में कराए गए भर्ती। राजपूतों पर बयान देकर मुश्किल में फंसे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, कांग्रेस ने दर्ज कराया मानहानि का केस। सहजन की फली कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। स्वादिष्ट होने के साथ यह सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होता है। सिर्फ इसकी फलियां ही नहीं बल्कि पत्तियां भी कई बीमारियों में रामबाण इलाज करती है। इसके सूप को नियमित पीने से ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, आंखों के रोग, गठिया आदि में लाभ मिलता है। दिल्ली जिला न्यायालय में प्रोसेस सर्वर, चपरासी, ड्राइवर, चौकीदार समेत विभिन्न पोस्ट के लिए 142 पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। दोस्तों ये थी दिनभर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सकें अपडेट।